हेलो फ्रेंड्स, आई एम भाविनी। वेलकम टू एजी कुकिंग हाउस। आज की हमारी रेसिपी है पोहा स्टीक। आज आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, जिससे मेरी रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए हम रेसिपी बनानी शुरू करते हैं। ये रेसिपी में हम सबसे पहले 1 बाउल पोहा लेंगे। ये पोहा को हम ब्लेंड कर लेंगे। अभी ये मैंने पोहे को ब्लेंड कर लिया है, तो अभी हम रेसिपी बनानी शुरू करते हैं। तो पहले हम लोगों ने ये ब्लेंड किया हुआ पोहा ऐड कर लेते हैं। ये मैंने एक पोटैटो लिया है, उसको मैंने बॉईल किए कर लिया है, वो मैंने मीडियम साइज कर लिया है। अभी इसको हम ग्रेट कर लेते हैं। अभी इसमें छोटा वाला ऑनियन लिया है, वो उसको मैंने छोटे छोटे कट बना लिए, तो अभी उसको ऐड कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून मिक्स हर्ब ऐड कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स एंड ये मिक्स हर्ब आपको ये मॉल में भी और शॉप पे भी अच्छी तरह से इजीली मिल जाएगा। टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट, 1/2 बाउल धनिया। अभी ये सब इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेते हैं और इसका एक डव जैसा रेडी कर लेते हैं। इसमें हम पानी का यूज़ अभी नहीं करेंगे, बाद में आपको चाहिए तो ही आप यूज़ कर सकते हो। अभी हमारा ये सब इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लिया है, तभी हमारा ये डो बन नहीं रहा, तो अभी इसमें हम 2 चम्मच ही पानी ऐड करेंगे, फिर बाद में हम वापस डो बनाने की ट्राई करते हैं। अभी हमारा ये डो रेडी हो गया है, तो अभी इसके हम इतने छोटे रोल लेंगे। ये अभी हमने ऐसा बॉल बना लिया है, फिर बाद में हम इसको ऐसा प्रेस करते जाएंगे और इसका स्टिक बनाते जाएंगे। ऐसे ही हम ये सब स्टिक बना देंगे। देखो मैंने ये कितनी अच्छी स्टिक बना के रेडी की है। अभी मैंने ये स्टिक सब बना के रेडी कर ली है, तो अभी इसको हम डीप फ्राई कर लेते हैं। स्टिक को हम मीडियम आंच पे ही फ्राई करेंगे। इसका टेस्ट इतना अच्छा है कि आप घर पे एक बार बना के जरूर ट्राई करना और बच्चे को भी टिफिन में आप दे सकते हैं। इसको हम मीडियम आंच पे पकाने से बाहर का लेयर क्रिस्पी हो जाएगा और अंदर का सॉफ्ट हो जाएगा। ये रेसिपी इतना टेस्टी और हेल्दी है कि आपके बच्चे और सब लोग ऐसा बोलेंगे कि ये रेसिपी पहले क्यों नहीं बनाई। अभी हमारी ये स्टिक फ्राई हो गई है, तब इसको हम निकाल लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, हमारी ये रेसिपी बाहर से क्रिस्पी और अंदर से कितनी सॉफ्ट बन के रेडी हुई है। देखो फ्रेंड्स, वाह, हमारी कितनी अच्छी ये रेसिपी बन के रेडी हुई है। आप एक बार घर पे जरूर ट्राई करना। आज आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले, जिससे आपको मेरी रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।